रहा है। ऑरेंज रॉक मीनवाइल टीम सीक्रेट के काफी सामने यहां पर फाइट ले रही है। मवी काफी ज्यादा आगे हैं, 2-2 का स्प्लिट ऑरेंज रॉक ने कर रखा है मिनी मैप में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर मुश्किलें हो सकती है थोड़ी सी। मवी थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, बैक एंड पर जाते हैं, लेकिन रेक्स आ चुके एक साइड से, दोनों ने डैमेज दिया। रेक्स ने काफी ज्यादा डैमेज दिया है मवी को, मवी की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है। रेक्स ने 88 का डैमेज दिया है, व्हिच इज इंप्रेसिव। स्काउट अब वो भी पीछे की डायरेक्शन पर आ चुके हैं। इन दोनों की जोड़ी काफी बेहतरीन कमाल कर चुकी है कल के मैच में, कल के दिन में, लेकिन ऑरेंज रॉक अपना जो मोमेंटम है वो यहां से बिल्डअप करना चाहेगी। यूआई एक एरिया पर रेक्स ने अपनी हीलिंग्स लगा ली है, मवी को भी अपनी हेल्थ लगानी है। यूआई का ग्रेनेड अगर सही एरिया पर जाता है, स्काउट को काफी डैमेज दे सकता है। इट वाज ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट, थोड़ा सा डैमेज मवी और स्काउट को वापस दिया, लेकिन स्काउट वापस नॉकआउट हो जाएंगे यूआई के द्वारा। साइड बाय साइड मवी भी डाउन हो रहे हैं, यूआई ने दो प्लेयर्स को पिक ऑफ कर लिया है, मुश्किल हो सकती है। ऑन द अदर साइड वहां पर एलिमिनेशन न्यू लेवल अप का भी हमें देखने को मिला, और यहां पर गिल ने यूआई को पिकअप किया है। वीरू वहां पर डाउन हो चुके, गिल अकेले बचे इस फाइट में। ऑरेंज रॉक इतना खराब स्टार्ट अभी तो नहीं लेना चाहेगी, और ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है ऑरेंज रॉक के लिए, क्योंकि ये जो फाइट्स हुई थी बहुत ही ज्यादा केयरलेसली ली गई थी अगर हम बोले, क्योंकि जैसा सिचुएशन था यहाँ पे, एक टाइम था, काफी समय भी था यहाँ पे वीरू और गिल के पास की कवर फायर दे सके, बट देने में सक्षम नहीं हो पाए। और मवी और स्काउट के ऊपर जो ग्रेनेड आया था वो बहुत ही तेज तरह आ रहा था, बट गिल ने यहाँ पे फिलहाल रेक्स को नॉक कर दिया है। कोशिश करेंगे यहाँ पे दूसरे प्लेयर मैट टॉय को ढूंढ निकालने की, बट आई शॉट का पीछे से बहुत ही बेहतरीन कवर फायर आता हुआ गिल यहाँ पे नेट को कर रहे। देखते हैं अब, देखना ये पड़ेगा कि ये नेट अगर कनेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है। ऑन पॉइंट जा सकता है ये नेट, क्या कनेक्ट करेगा? यस, कनेक्ट करता हुआ बहुत ही शानदार तरीके से, बट मैट टॉय किसी भी प्रकार अभी भी जिंदा है। मैट टॉय के ऊपर भी स्प्रे लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा आई शॉट ये क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे या नहीं ऊपर से, बट गिल यहाँ पे हील कर रहे हैं। बहुत ही संगीन सिचुएशन हो चुका है, क्या लगता है ओशन, कैन गिल क्लच इट आउट? मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी गिल अभी भी फाइटिंग के अंदर, दो प्लेयर्स उन्होंने डाउन कर दिए। क्या टीम सीक्रेट पीछे से, एक और प्लेयर जा चुका है, आखिरी प्लेयर बचे थे, बट स्टिल वहां पर आई शॉट लेकर जाते हुए काफी बेहतरीन कोशिश थी। तीन प्लेयर्स नॉकडाउन के एंड, ऑलमोस्ट आई शॉट को क्लच कर लिया था, बट स्टिल इट वॉज आउट देयर। गाड़ी के अंदर फिलहाल बैठ जाएंगे और सर्कल के अंदर एक अच्छा कंपाउंड जरूर लेने की कोशिश करेगा, बट BTR की बात कर रहे हैं तो काफी यूनिक स्ट्रैट उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। और यहाँ पे KOG का फाइट हो सकता है TSM NTT के साथ, देखते हैं सूप 7 कितना ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। क्लच गॉड यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे तीन प्लेयर्स के साथ फाइट लेने की कोशिश की थी, बट बॉस जाने क्लच गॉड को यहाँ पे नॉक कर दिया। TSM NTT के बाकी प्लेयर्स काफी ज्यादा दूर निकल चुके ऑलरेडी, देखना ये रहेगा कि उनको कवर फायर देने के लिए या फिर उनके रिवेंज के लिए वो आएंगे, यानी तीन प्लेयर जहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी गाड़ी में बैठ के आने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे गाड़ी फूट भी सकती है केतन। बिल्कुल, बट यहाँ पे स्लैमिन आ चुका है फॉर श्योर, क्लच गॉड का ये लोग पैनिक हो चुके हैं। 3-4 का सिचुएशन यहाँ पे, ऑल दो मैं कहना चाहता हूँ 3-3 बिकॉज ब्रागो को यहाँ पे ऑलरेडी नॉकडाउन कर दिया गया, बट यहाँ पे नियो क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मॉलोटोव यहाँ पे डाला गया है जस्ट टू मेक श्योर कि प्लेयर थोड़ा सा वहाँ पे डिले कर सके फाइट, एंड उसके चलते ब्रागो पूरे फिनिश नहीं होते हैं, उनको रिवाइवल की यहाँ पे प्रक्रिया में जाते हैं। यहाँ पे बीटर के जक्सी को पूरा फिनिश कर दिया गया किल फीड में, जैसा आप देख सकते हो ब्रागो क्या रिवाइवल मिलेगा, बट यहाँ पे नियो का एक बहुत ही बढ़िया एक ग्रेनेड जाता है, उसके चलते पहला नॉक किंग ऑफ गेमर का यहाँ पे निकाला बिकॉज ब्रागो को मिल चुका है यहाँ पे रिवाइवल, एंड एक प्लेयर फिनिश भी हो गया बिकॉज जॉनथन का एक फॉलो अप मॉलोटोव गया था, एंड मॉलोटोव डाल के प्लेयर्स को फाइट को डिले करवा रहे, वो स्टेयर्स के पीछे रोका हुआ उन लोगों को जी गॉड के सामने, बट यहाँ पे प्लेयर है, बट जॉनथन यहाँ पे नहीं रुकने वाले, ही वांट टू टेक दैट फाइट 1-1 एंड 1-1 फाइट में जीतते हुए यहाँ पे सिर्फ दो प्लेयर KOG के बचे हैं। ब्रागा को रिवाइवल मिला था उसके चलते उनकी 75% HP, बट यहाँ पे कंसर्ट पैप खड़े हुए हैं उसी के साथ, यहाँ पे प्री फायर करने की कोशिश करेंगे, गन स्विच करेंगे, बट उतने तक यहाँ पे TSM के प्लेयर्स नहीं रुकने वाले, उसके चलते किंग ऑफ गेमर्स का खात्मा यहाँ पे होता हुआ TSM NTT के द्वारा। तीसरा जोन था यहाँ पे और TSM NTT 4 किल्स अपने लिए कर सकते हैं, तीनों प्लेयर्स कूदते हुए एक ही टाइम पे टीम TSM NTT एक दूसरे स्क्वाड की तरफ झुलसती हुई नजर आई थी, बट अभी फिलहाल अपना जो टेंशन है INT की तरफ डाइवर्ट करेगी। ऑलरेडी लोकी ने यहाँ पे Z-God को नॉक कर दिया, जॉनथन यहाँ पे अकेले बचे अपनी टीम के लिए, नियो भी उनके साथ ही साथ है, TSM थोड़ी मुश्किल में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। INT के क्रैथोस यहाँ पे अच्छी खासी फाइट निकालते हुए, नियो ने बहुत ही प्यारा नॉक निकाला 420 पे, क्रैथोस यहाँ पे जॉनथन को नॉकआउट कर चुके, नियो अकेले बचे, पूरा का पूरा भार जो है तो फिर से सिनर्जी और RRQ के बीच में फाइट देखने को मिलता हुआ, और बियर 11 ने ऑलरेडी सिनर्जी के IGL को फिनिश ऑफ कर चुका है, सिर्फ भी यहाँ पे डेड हो चुके, श्राइडर का पोजीशन भी ऑलमोस्ट रिवील हो चुका है, बट उनके पास वेपन्स कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, शॉटगन्स के साथ ही इनको काम चलाना पड़ेगा। क्लोज रेंज फाइट्स अगर फोर्स आउट करती है RRQ तो शायद सरप्राइज हो सकते हैं, बट ऑस्टिन का यहाँ पे फाइट चलता हुआ D2E के अगेंस्ट, D2E के पास भी एक शॉटगन है और ऑस्टिन के पास भी एक S12K है, तो यहाँ पे शॉटगन फाइट्स आई गेस काफी नजर देखने को मिलेगी, बट नहीं D2E के पास एक AK है और ऑस्टिन के पास एक शॉटगन है, तो अभी देखना पड़ेगा
पड़ेगा। टेड यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं और टी टू को बहुत ही शानदार हेडशॉट देके यहाँ पे नॉकआउट कर चुके। तो आर आर क्यू के प्लेयर्स आर गेटिंग डेसिमेटेड बाय श्राइडर, क्योंकि उन्होंने भी एक प्यारे प्लेयर को नॉक कर दिया और बियर 11 को भी यहाँ पे नॉक कर दिया। सडनली सिनर्जी ने आर आर क्यू को वाइप कर दिया है। केतन कभी भी उतरते तो शायद बेहतर हो सकता था, क्योंकि जब उतरे इंस्टेंटली नॉकडाउन हो गया। बट गेल ने यहाँ पे फिलहाल माइक्रोबॉय को नॉक कर दिया। गेल का ग्रेनेड जाता हुआ जक्सी को भी नॉकआउट करता हुआ। गेल यहाँ पे डैमेज देते हुए जा रहे। लक्सी और राइजन ये दो प्लेयर्स अभी बचे। देखते यहाँ पे ऑरेंज रॉक का फिर से शायद यहाँ पे पुश देखने को मिल सकता है। ओशन बिल्कुल ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स पुश करना चाहते हैं। पीटीआर वर्सेस ऑरेंज रॉक बैटल ऑफ सूर्य एंड टॉयलेट, वो यहाँ पे जोन बाय जोन एरिया बाय एरिया चल रही है। मिरामार में भी हमने देखा था इनकी फाइट के अंदर ऑरेंज रॉक एक हायर एडवांटेज लेकर आई थी, लेकिन जब एरेंगल है वहां पर कैसे गेल ने स्पॉट किया। फिर से माइक्रोवेव की हेल्थ काफी ज्यादा कम है, बट वो अपनी हेल्थ बढ़ाना चाहेंगे। सामने स्मोक्स कर रहे होंगे आई एम प्रीटी श्योर। मॉर्फ के नो मर्सी देखना पड़ेगा आईएनडी के क्रैथोस को नॉक कर पाते हैं, क्योंकि राइजन ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके। बीटीआर के तीनों प्लेयर्स एक ही चट्टान के पीछे आए थे और लक्सी को यहां पे स्पॉट आउट भी कर दिया। स्नैक्स का डीपी का प्रहार आता हुआ, लक्सी यहां पे नॉकआउट हो चुके। बीटीआर काफी मुसीबतों में। स्नैक्स की डीपी से दूसरा नॉकआउट है बीटीआर के अगेंस्ट। पहले राइजन को नॉकआउट किया था, अब यहां पर लक्सी को लेकर जा रहे हैं, लेकिन रिजेक्ट स्कारलेट जाते हुए 7th पोजीशन पर। अब 6 टीमें बचती हैं, 19 लोग जीवित। टीम भी बहुत ही शानदार खेल रही। टीम सीक्रेट को यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं। अब 4 टीम्स अभी भी जिंदा है, 10 प्लेयर्स अलाइव है। देखना पड़ेगा बीटीआर के सामने का अभी जो स्क्वाड है, दैट इज टीम मॉर्फ, और मॉर्फ के साथ ये लोग किस प्रकार फाइट लेते हैं, क्योंकि ये एक हाई ऑक्टेन फाइट होने वाली है। अभी भी आप देखिए बीटीआर के लक्सी ओपन में, फिर भी अभी तक कोई प्लेयर उनको नॉक करने में सक्षम नहीं हो पा रहे, क्योंकि राइजन का इतना प्यारा कवर फायर हमेशा रेडी रहता है। 4 टीमें बची हमारे पास, 9 लोग जीवित, 7वां सर्कल रहेगा। 25 मिनट और 45 सेकंड हो चुके हैं इस पूरी गेम के लिए, लेकिन बीटीआर फाइट लेने के लिए मॉर्फ के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। जैक्सी यहां पर रहेंगे 4S एंड ही इज रेडी फॉर द फाइट, बट ही विल बी टेकन डाउन। इस फाइट में अब सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है मॉर्फ का, लेकिन जैक्सी की अगर आप हेल्थ देखें बहुत कम, उनको अपनी हीलिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, हीलिंग्स लगानी पड़ेंगी। गोइंग फॉर अ फर्स्ट एड और जैक्सी को वहां पर फिनिश अप अभी नहीं करना चाहते, पहले अपनी हीलिंग्स पर काम करना चाहते हैं और आखिरी प्लेयर को भी फ्लश आउट करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि सर्कल भी पीछे से आ रहा है। जैक्सी को यहां पर फिनिश करने की कोशिश रहेगी एंड जैक्सी को जैक्सी का किल वहां पर मिलता हुआ। बट अब जे बचते हैं जो आईएनडी के डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज अ गुड सिचुएशन फॉर द टीम आईएनडी, क्योंकि उनके पास नंबर्स एडवांटेज है। मॉर्फ का एक प्लेयर बचा, आरआर क्यू जीनन बचे, लेकिन बीटीआर अगर फाइट लेना चाहे तो उनको आईएनडी से होकर गुजरना पड़ेगा। आईएनडी के दो प्लेयर्स हैं, बट स्टिल आईएनडी इज गोइंग वेरी 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 ओपी। बट यहां पे दिक्कत आईएनडी के लिए ये भी हो सकती है कि G9 अभी भी जिंदा है और उनका उनको पता है कि एग्जैक्टली आईएनडी के प्लेयर्स किधर है, और Z4S यहां पे थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ग्रेनेड्स ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि और ग्रेनेड्स बाकी है, बट देखना पड़ेगा कि Z4S यहां पे क्या कमाल दिखाते हैं, क्योंकि स्लेयर फिर से यहां पे स्मोक्स का बिछौना बिखेर रहे हैं और वो एक बहुत सटीक डिसीजन है, क्योंकि उनको ये पता है कि G9 उनके लेफ्ट हैंड साइड पे और वो जगह स्मोक करना लाजमी बनता है। और बीटीआर के अभी भी प्लेयर्स आप पुश नहीं कर रहे, जोन को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहे, जोन के अंदर भी है बट ओवर एक्सटेंड नहीं कर रहे। जे जो है इस टीम में, मॉर्फ की टीम में पीएमडब्ल्यू शुरू से एक दिन पहले एडिशन आए थे और वो एडिशन यहां पर दिख रहा है कितने प्यारे तरीके से। G9 को अगर आप देखें अपना पैन भी हटा चुके हैं, बिकॉज पैन रिफ्लेक्ट करता है, बैकपैक हटा चुके हैं, उनके पास जितनी बुलेट्स उनको उन बुलेट्स के साथ चलना पड़ेगा। 2 फर्स्ट एड भी रहेंगी, आई वुड से कि उनको बैंडेज भी हटाए अगर बुलेट एक्स्ट्रा कैरी ऑफ करनी हो, क्योंकि उन्होंने 5.56 भी वहां पर ड्रॉप कर रखी थी। मॉर्फ के प्लेयर से वो भी तैयार है, राइजन उन्होंने अपना बैकपैक हटा दिया, बट ट्रांस को स्पॉट कर लिया है। 1 गोस डाउन, स्लेयर बचे हुए अब इस फाइट में और बीटीआर इस फाइट को अपने खाते में रखना चाहिए। कल की शुरुआत उन्होंने जीतने से करी थी, आज की एंडिंग वो लोग जीतने पर ही रखना चाहेंगे। एंड स्लेयर अभी भी पीछे हैं और लक्सी हर एक एरिया पर फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यस, और इसी के साथ G9 ने राइजन पे प्रहार कर दिया और उनको नॉकआउट भी कर दिया। बट इसी के साथ यहां पे लक्सी का ट्रेड फायर आता हुआ और आरआरक्यू इस बार चौथे पायदान पे एलिमिनेट हो चुकी है। आईएनडी के स्लेयर अभी लास्ट प्लेयर जीवित है अपने टीम के लिए, देखते हैं क्या कमाल दिखा पाएंगे। उनकी गाड़ी फूटती हुई लक्सी के द्वारा और टीम आईएनडी का भी अंत हो चुका है। मॉर्फ के Z4S अभी भी जिंदा है, 1v2 का सिचुएशन है, क्या क्लच कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका पोजीशन अभी भी रिवील नहीं हुआ। बीटीआर के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको पता है मॉर्फ के Z4S किधर है। Z4S इंस्टेंटली प्रोन एन ओके क्रॉल करके उनके काफी करीब जा चुके, क्या यहां पे क्लच आउट कर पाएंगे। एक नॉक अगर निकाल देंगे तो पूरा मोमेंटम उनके हाथ पे आ जाएगा। Z4S यहां पे पूरा कोशिश करते हुए, साउंड आ चुका है यहां पे लक्सी को और इसी के साथ स्पॉट करते हुए चिकन डिनर निकाल चुकी है टीम बीटीआर।